आइसक्रीम पार्लर एंड बेकर्स, एगलेस केक्स आर अवेलेबल बेकर नियर टू टाउन पुलिस स्टेशन महबूब नगर पेराडाइज फंक्शन पैलेस बुकिंग आर ओपन लक्ष्मी नगर कॉलोनी महबूब नगर एम ज्वेलर्स गोल्ड सिल्वर एंड डायमंड्स, बिसाइड मॉडल बेसिक स्कूल पाँच और महबूब नगर असलामीक नाजरीन मेट्रो न्यूज अपडेट में आपका इस्तेमाल है आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबर आरोप महबूब नगर बल्दिया के वार्ड नंबर चौबीस रामया बौली इलाके में मसाइल के अंबार तफसलात के मुताबिक महबूब नगर बल्दिया के वार्ड नंबर चौबीस में वार्ड की आवाम को कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है इस वार्ड में जरा सी बारिश होने पर कई जगहों पर पानी जमा हो जाता है और घरों में पानी दाखिल हो जाता है जब कभी भी बारिश होती है तो सबसे ज्यादा मुतासर ये इलाका होता है इस वार्ड में जगह जगह कचरे के अंबार भी मौजूद हैं। कचरे की निकासी का अमल इस वार्ड में काफी सुस्त है और इस वार्ड में आवारा कुत्तों की भी कसरत पाई गई है में कई मरतबा इन आवारा कुत्तों ने मासूम बच्चों पर हमला करते हुए जख्मी कर दिया था और कई जगहों पर गंदगी फैली हुई है जिससे वबाई अमराज फैलने का खदशा है हमारे नुमाइंदे को इस वार्ड की आवाम ने मुसलसल फोन करते हुए वार्ड का दौरा करने की अपील की जिस पर हमारे नुमाइंदे ने आज इस वार्ड का दौरा किया और आवामी मसाइल से वाकफियत हासिल की तो पता चला कि इस वार्ड की आवाम मुकामी कौंसलर से सख्त नाराज है और उन्होंने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि गुजश्ता चार साल से मुत कौंसलर किसी भी तरक्याती काम को अंजाम नहीं दिए आवाम ने उनसे अपील की कि वो वार्ड का तफसीली दौरा करते हुए जायजा लें और अवामी मसाइल को हल करें बल्दी अहदेदार और वार्ड काउंसलर को फौरी इन मसाइल पर तवज्जो देने की जरूरत है देखिए इस वार्ड के मसाइल के कुछ झलकियाँ और आवाम के खयालत पर एक नज़र अल्लाम लाबरकू ये मेरे घर के पास की जो नाली है पूरी टूट गई उसमें जो है ना कभी भी बारिश पड़ा तो पूरा पानी ऐसा भग आता है ऐसा भग जाता पूरा कचरा तालाब कट्टे का कचरा वो कचरा पूरा इधर ही जा जाता जा और जो है ना मेरे घर में घुस जाता और मेरे घर का जो बोर है ना वो बोर में भी जो है ना पानी जो है ना नाली का ही पानी आ रहा है बोर आन करा तो नाली का पानी आता अब मैं नल आए तो पानी भरना नहीं तो पानी कुछ भी नहीं करना आठ आठ फीट अंदर गड़ा खोद के छोड़ दिए वहाँ पे डिस्पेशन करके आगे ये घर के आगे जो घर दिख रहा है इसके आगे आठ फीट गड़ा अंदर करके पूरा लंबा नाली बनाते बोल के छोड़ दिए दो साल हो गया दो साल में कोई आने वाला नहीं है पूछना जिस दिन बारिश होती उसी दिन आते उसके बाद कोई नहीं आता ना चेयरमैन आता ना कलेक्टर आता ना कोई भी आता कौंसलर तो असल भटकता भी नहीं आता जाके हमारे पास देखता भी नहीं कौंसलर क्या करना किसको बोलना जाके बोले तो बस बस हो गए हम लोग अरे हमारे बाजू में शकील भाई बोल गए उन्होंने तो घर छोड़ के चले गए अपना ज़ाती मकान छोड़ के चले गए उन किराए घर में रह रहे उन फोन बोलने वाले नहीं है पूछने वाले नहीं है आ, कौन सा साहब को बोले तो कौन सा साहब कायम ही रहते ये जो भी चीज़ा है ज़रा कब से इलेक्शन होता है इलेक्शन ख़त्म हुए बाद काम करेंगे परसों भी बारिश पड़े तो आके ये हिस्सा साफ़ करा के गए मुंसिपाल्टी वाले मगर फिर उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है घर के बाजू में पूरा मट्टी निकाले तो घूड़ उसी फेंक दिए डिस्पेशन करे फेंक ये मच्छर मच्छर इतने मच्छर मच्छरों को पूछना नहीं काटे तो हम लोग है ना चले जाना यहाँ पर नहीं हम लोग भी चले जाना बोले तो अच्छी बात है काउंसलर साहब को इसकी बात की इतना भी है मगर काउंसलर साहब कुछ भी नहीं कर रहे इसके वास्ते बस जजाक अल्लाह मेरी आपसे न्यूज़ बोलने का था आपसे हमने सुनाया मेरा नाम अशफाक है मैं वार्ड नंबर चौबीस से बात कर रहा हूँ या मैं जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे जो मनसिपाल्टी का जो ड्रेनेज व्यवस्था ड्रेनेज का जो है ना वो बिल्कुल साफ़ नहीं है और वहाँ पे एक घर मकान पड़ा हुआ है यहाँ पे कई सालों से कुछ साफ़ सफ़ाई नहीं यहाँ पे और और क्या है इसमें इसमें ज़्यादा जा, ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ है और क्या और क्या बोलते हैं शाम शाम में तो मच्छर मच्छर ज़्यादा आ जा रहे हैं इसमें इससे हमारे हमारे बच्चों को हमारे इससे इससे हम हमारे बच्चों को बीमार पड़ जा रही है मच्छर डेंगू कुछ कुछ ख़तरनाक बीमारियाँ आ जाएंगे तो मुश बहुत मुश्किल हो जाएगा इसका इसका ज़िम्मेदार कौन होगा आप बताइए जल, आप जल्दी जल्द आप म्यूनसिपाल्टी वाले और कोई भी जो भी है यहाँ पे वो लोग जल जल्दी से जल्दी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करीजिए सलामैक्म रहाम्लिबरकू मैं वार्ड नंबर 24 से मोहम्मद नवाज़ खान बात कर रहा हूँ जी ये ये घर के कई सालों से बंद है दस बारह साल हो गया होगा मेरे ख्याल से घर घर की साफ़ सफाई नहीं हो रही इसे डेंगू मलेरिया हमारे बच्चों को किराएदार के बच्चों को बहुत मुश्किल हो रहे हैं हम कई बार कम्प्लेंट भी कर चुके हैं घर वालों ओनर्स को ओनर के बाद आजकल आजकल मैं ऐसे ही घुमा रहे तकरीबन दस बारह साल से ज़्यादा हो गया कृपा मैं म्यूनसिपलिटी वालों से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द इस पर एक जाए घर पर और साफ साफ़ सफाई का काम होना है वरहमत ला वरक़ जैसा कि मोहल्ला है रयाबली वार्ड नंबर ट्वेंटी फोर मैंने देखा कि मेट्रो न्यूज़ अपडेट टीम जो है सो ना महले का मायना कर रही थी तो मेरे पास भी चंद इश्यूज़ थे कि आवाम के सामने जो है सो ना बतलाने के लिए मैं बतलाया जैसे कि सड़कों का प्रॉब्लम नालियों का प्रॉब्लम कचरे का प्रॉब्लम और रातों में जो सो लाइट सही तरीके से नहीं आना महल में आना जाना और जो है सो नालियाँ तो इतने बुरे हैं पूछो मत उसका हाल पूरा कचरा पड़े हुआ है नालियों में हर तरफ गंदगी है वार्ड में इससे जो है सो महले के जो छोटे छोटे बच्चे और लोग जो है जल्दी बीमारियों को जो है ना मुतासर होते हैं तो मैं जो है सो म्यूनसिपाल्टी से गुजारिश कर रहा हूँ जो है सो दस साल से कुछ भी नहीं हुआ वार्ड में काम प्लीज़ खुदा के वास्ते से ये बार तो जो सो ना कुछ ना कुछ काम करके जो है ना हमें इस गंदगी से बचाओ ये अपील है हमारी बस महिला रामया बोली वार्ड नंबर चौबीस में जो है सो कई एक मसाइल है खासकर साफ सफाई के बारे में बहुत सारे मसले हैं यहाँ पर और बहुत सारी गंदगी है अभी आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं इतनी गंदी वो भी आ रही कि हम यहाँ पे बात भी नहीं कर सक रहे हैं इसी तरह से जो है यानी पिछले साढ़े चार साल में जो है हमारे काउंसलर साहब पूरा ग्राउंड वर्क से टोटल ग़ायब थे आज वो जो बिल्कुल इलेक्शन के करीब में कुछ प्रेस मीडिया के ज़रिए आके जो है सो न्यूज़ वगैरह शाइ कर रहे हैं और देख रहे हैं लेकिन बहुत पहले से यहाँ पे बहुत मसाइल पे काम करना चाहिए था और जो है सो कुत्तों का भी एक बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे मासूम बच्चे जो ट्यूशन वगैरह को स्कूल को जा रहे हैं उनके ऊपर भी कुत्ते कहीं एक, एक दो चार दिन कबल भी एक बच्चे के ऊपर हमला हुआ कुत्तों का तो इस तरह के बहुत सारे मसले हैं हमारी एक यही अपील है कि वो एक सुई से वार्ड के मसाइल पर काम करें हम इतनी अपील कर रहे हैं काम साफ सफाई का भी है और कुत्तों बच्चों को काटने का भी है एक बड़ा मसला और इस तरह के बहुत सारे मसाइल है जिस पे वो एक सुई से काम करना चाहिए जैसा कि वो जो भी अब उतना यानी पिछले सालों से चार साल से जो नहीं थे वो बात और है अब जो वक्त है कम से कम इसके अंदर और ये भी बोला जा रहा है कि भाई इलेक्शन कोर्ट था काम वगैरह रुक गए थे अब हम करेंगे तो अब कम से कम जो है और बारिश भी खरीब में है और आपको पता है कि जब यहाँ पे बारिश का पानी आता वार्ड के अंदर तो ये सारा इलाका जो है मुतासर हुआ था ऑलरेडी इतनी गंदगी और फिर ये पानी का आना घरों में ये बहुत ज़्यादा ज़्यादा जो है बच्चे मुतासर होते मलेरिया और दीगर बुखार वगैरह से तो हमारी यही अपील है कि वो जो है संजीदगी से काम करें और ये इन मसाइल पे इन मसाइल को ख़त्म करें अस्सलाम वालेकुम व वरम्बरक दोस्तों आज रामावली में मेट्रो न्यूज़ का आज मैन हो रहा था मैं मेट्रो न्यूज़ वालों को भी इधर बताया कि कि रामावली में कितनी गंदगी है यहाँ पर देखिए पीछे पानी आता है मगर यहाँ पूरे पानी जाने का कोई रास्ता ही नहीं है कोई नालियाँ ठीक नहीं है नालियाँ पूरे सड़े थे कुछ ला चार साल पाँच साल से और इतने भर गए नालियाँ पूरे गलीजाड अब तो बकरी थे उसमें भी खून जाके काफ़ी बदबू उठ चुकी है मगर इसका का काम ये काम का कुछ भी नहीं हो रहा है ये वार्ड में मैं अभी उस मेट्रो न्यूज़ तो निकली थी अभी पूरे चेकिंग को अभी मैं पता चला मैं उनको ला बताया कि देखो ये क्या हाल है नालियाँ का हमारे पानी देखिए अब ये पानी में कि तो पिछले दस पाँच छः दिन से ठहरा हुआ है पानी इसमें कई मच्छर मच्छर आ चुके हैं मच्छर काटने से बच्चों को डेंगू हो सकते हैं डेंगू के अब मालूम है कितना डेंगू कितनी खतरनाक बीमारी है हर पानी का वक्त है आने का बरसात का अब बरसात तो शुरू शुरू हो गया है जल्द से जल्द रामावली में पानी का अंबार हो जा सकता है नाजरीन आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशायदा यूट्यूब फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं अगर आप हमारा प्रोग्राम यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशायदा कर सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स